ये देख लीजिए व्हील अपने आप घूम रहा है, थ्रॉटल वगैरह कोई दे नहीं रहा, व्हील बराबर घूम रहा है 22 किलोमीटर पर आवर की स्टिल सेम स्पीड पर अभी भी घूमे जा रहा है और क्रूज कंट्रोल इस स्कूटर में मिलते हैं इसलिए ऐसा हो पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऊर्जा कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए ये कमाल के इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है चेतना इलेक्ट्रिक स्कूटर। और ये एक तो इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ऊपर से इसके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, फीचर्स ब्राइट हैं और इसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में ये आता है और इसी के साथ में फीचर्स कमाल के हैं, रेंज अच्छी खासी प्रोवाइड करता है और आपको इस स्कूटर के साथ में दोनों ही बैटरी पैक के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें आप चाहें अगर लेड एसिड में भी ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ में भी आप जा सकते हैं और दोनों ही बैटरी पैक के साथ में आपको अच्छी रेंज मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा चेंज है, माइनर सा ही चेंज आपको दोनों बैटरी पैक के बीच में डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं अगर आप इसके सबसे बड़े बैटरी पैक के साथ में जाते हैं तो वहां पर आपको सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 123 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राइजेस के बारे में तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस शुरू हो जाते हैं मात्र 32,000 से 35,000 रुपीज़ के साथ में। और इसके साथ ही अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑर्डर करना चाहते हैं अपने सिटी, अपने रीजन, अपने स्टेट में अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मंगाना चाहते हैं तो उसके भी कई अलग प्रोसेस हैं और ऑल इंडिया डिलीवरी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की देखने के लिए मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे वीडियो में आगे बढ़कर, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना वरना फिर आप मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई सब किस तरीके से ऑर्डर करना है वो चीज़ तो आपने बताई नहीं, तो मैं वीडियो में हमेशा कवर करता हूं तो इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरा भाई व्हीकल अपने सामने है और ऊर्जा चेतना और इसकी फ्रंट प्रोफाइल एक तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर दिया गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट ये हो रहा है और ब्राउन इंटीरियर के साथ में जो इसका रेड कलर का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खिलकर भी आ रहा है। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे की के साथ में, उससे पहले ओपन कर देते हैं इसके एक बार हेडलैम्प्स को ताकि मैं ऑन करूं तो ये भी ऑन हो जाए। बाकी ये कुछ रिमोट आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा है जिस तरीके से कार का रिमोट दिया जाता है, तो सेंटर लॉकिंग वगैरह मिलती है जिससे आप इसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। मेरा ना ये अलार्म बजने लगा मैंने दबाया तो इस तरीके से है। बाकी लॉक अनलॉक ये सभी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये मैंने दबाया ये हो गया स्कूटर ऑन यानी कि चालू हो चुका है। और बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे क्रोम ट्रीटमेंट का भरपूर इस्तेमाल है, एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिलेगा और थ्रो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, दिन में इतना कमाल का थ्रो लग रहा है तो रात में आप समझ ही सकते हैं। बाकी बात करें DRL की, ये हो गया हेडलैम्प्स बंद तो ये पार्ट रह जाता है, ये है इसके LED DRLs का पार्ट। एक बार ऑन कर देते हैं इसके इंडिकेटर्स वगैरह को तो ये देख लीजिए यहाँ पर दिए गए ऊपर की तरफ इसके हेलोजन इंडिकेटर सेंटर में ऊर्जा सन फॉर लाइफ का आपको स्टिकर देखने को मिलेगा जो कि ब्रांड का नाम है। बाकी यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट का इस्तेमाल इसके लोअर पार्ट पर आपको मिल जाएगा, साइड मिरर्स मिलेंगे आपको पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में। और नीचे की तरफ बात करें टायर सेटअप की तो टायर साइज़ आपको यहाँ पर मिलता है 90x90 का और 12 इंचज़ का एल्यूमिनियम अलॉय आपको देखने के लिए मिलेगा जिसकी लुकिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रहने वाली है। बाकी टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन हैं जिनका ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा शानदार रहता है। बात करें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर फ्रंट में आपने देख ही लिया होगा कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि लो प्राइस और लो बजट वाले स्कूटर्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी बात करें ओवरऑल व्हीकल की साइड प्रोफाइल की तो ये कुछ रहती है साइड प्रोफाइल, यहाँ पर रेड और ब्राउन का इंटीरियर, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद इसका आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बार रियर प्रोफाइल आपको एक्चुअली चेकआउट करा देता हूँ उसके बाद देखेंगे यहाँ और वहाँ। तो सबसे पहले रियर प्रोफाइल में देखेंगे हेलोजन टेल लैम्प्स हैं और इंडिकेटर का सेटअप आपको ज़रूर ही यहाँ पर हेलोजन में देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ये है बैक सपोर्ट, यहाँ पर आप इसे लगेज कैरियर भी बोल सकते हैं, इतने बड़े साइज़ की दी गई कि यहाँ पर अच्छा खासा सामान आप रख सकते हैं तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। बाकी सीट को ओपन कर देते हैं, यहाँ से हो गई सीट ओपन, ये जी सीट के अंदर का नज़ारा, एक फुल साइज़ हेलमेट रख देंगे ना फुल फेस वाला तो उसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बचने वाला है। MCU की प्लेसमेंट यहाँ पर है, कहीं जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए घर में अंदर स्कूटर रखा चाह रहे हैं बैटरी लो ना हो यहाँ से इसे बंद कर दीजिए, लेकिन इसके बाद में ध्यान रखिएगा कि एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह भी यहाँ पर बंद हो जाते हैं। ये हो गया जी सीट का मसला। बाकी यहाँ पर रियर में एक बड़े साइज़ का मरगार्ड है, एक छोटा सा टायर अगर यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन है जो कि ये देख रहे हैं ना ये एडजस्टेबल, यहाँ पर इसके हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एडजस्टेबल सस्पेंशन वगैरह मिलने हैं भाई साहब इतने कम रेंज के स्कूटर में और 90x100 का टायर साइज़ है और 10 इंचज़ का एल्यूमिनियम यहाँ पर अलॉय होता लेकिन वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लेस की गई है BLDC हब मोटर जो कि 1000 वाट की रहती है। बड़े साइज़ की यहाँ पर कवरिंग वगैरह दी गई जिस पर ये देख रहे हैं ना फिट एंड फिनिश अच्छी इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर है इसका बैटरी पैक जो कि मेटल कंटेनर के अंदर यहाँ पर रखा गया है, साइड फुटरेस्ट इस तरीके से
बिलियन पैसेंजर के लिए, लेकिन कोई भी मादा के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है फुटरेस्ट। और अंदर की तरह इस तरीके से है BLDC मोटर जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है वायर के थ्रू, कोई भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम चेन ड्राइव सिस्टम की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। अगर बात कर लें मोड वगैरह की तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, लेकिन पहले मीटर वीटर कवर कर लेते हैं। पार्क मोड में अभी है, मोड दिखा देता है ड्राइविंग मोड में, पार्क मोड में तीन मोड मिलते हैं यहाँ पर जिन्हें आप स्विच कर सकते हैं 1, 2, 3, ये आ गया 1 में 2 में और 3 में। इस तरीके जितना ऊपर मोड में जाएंगे उतनी ज़्यादा पावर एनर्जी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये हो गया हेडलैम्प्स के कंट्रोल, ये हो गया सिंगल टच रिपेयर बटन, ये हो गया रिवर्स में राइड करने के लिए बटन, यहाँ पर आ जाता है लो बीम हाई बीम, ये है जी सिंगल हॉर्न इंडिकेटर। अब ये बटन किस चीज़ का भाई, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, अभी दिखा देता हूँ। ये बटन यहाँ पर आप देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। ये किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले ब्रेक को प्रेस कीजिए, स्कूटर आ जाता है ड्राइविंग मोड में, ऊपर लिखा गया रेडी, इसे लगाता हूँ 1 में और ये मैंने थ्रोटल दे के रखा मान लीजिए इतने पे, अब मुझे इतने पे ही चलाना है तो मैं क्या करूँगा, ये क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन मैंने दबा दिया और थ्रोटल दिया मैंने छोड़। अब ये 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपने आप रन हो रहा है, मैंने कोई भी थ्रोटल वगैरह नहीं दे रखा है। और व्हील देख लीजिए एक बार स्कूटर का, ये देख लीजिए व्हील अपने आप घूम रहा है, थ्रोटल वगैरह कोई दे नहीं रहा है, व्हील बराबर घूम रहा है 22 किलोमीटर पर आवर की स्टिल सेम स्पीड पर अभी भी घूमे जा रहा है और क्रूज़ कंट्रोल इस स्कूटर में मिलते हैं इसलिए ऐसा हो पा रहा है। तो ये 4 से 5 लाख रुपए की बाइक जब आप लेते हैं ना उनमें जो आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो इस बेसिक से स्कूटर में भाई सब दिए गए हैं कि क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भाई सब कौन दे रहा है इतने कम प्राइस पॉइंट पर। तो अब इससे आप अच्छी रेंज भी निकाल सकते हैं अपने स्कूटर की, अपना क्रूज़ कंट्रोल लगाया 25, 30, 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने से स्कूटर लंबा कोई परेशानी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा। बाकी एक बार 1 मोड में देख लेते हैं टॉप स्पीड कितनी है, 1 में 25 है, 2nd में 25 और 3rd में भी 25। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि स्पीड तो बढ़ मिलती है आपको 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, लेकिन इसमें क्या है कि मीटर में शो नहीं करता जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ना तो कोई RTO में रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ना ही कोई इंश्योरेंस चाहिए और ना ही कोई आपका इस स्कूटर पर चलान काट सकता है। बच्चे चलाएं, बीवी चलाए, बेटा चलाए, कोई चलाए, आपको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सारे फीचर, इस सारी बचत हो जाती है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में जो कि कंपनियां करती हैं भाई अपना RTO रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा कम पैसा पे करना पड़े और कस्टमर को भी थोड़ी सी राहत मिल जाए। इसी वजह से इतने कम अफोर्डेबल प्राइस के साथ में आपको स्कूटर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करूँ इसके अंदर बैटरी पैक का ऑप्शन क्या कुछ है, लेड एसिड में आपको 60 वोल्ट और 32 एम्पियर आवर का बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है और इसमें अगर आप जाते हैं लिथियम आयन में तो वहाँ पर आपको 60 वोल्ट और 34 एम्पियर आवर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर लेड एसिड में आपको 60 से 70 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करेगा, वहीं पर आपको लिथियम आयन में अगर आप देते हैं तो वहाँ पर आपको 90 से 100 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज प्रोवाइड करके देने वाला है। बाकी अगर आपको बाय करना तो आप जा सकते हैं www.urjakendra.com पर और वहाँ से जाकर के आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है बाय करने में, बाय आप नहीं कर पा रहे हैं या कैसी भी कोई भी दिक्कत हो रही है, आप एक काम कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आपके लिए बुक कर दूंगा, तो वो कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आपने वीडियो प्रॉपर आप देखते हैं, मेरे फ़ैन हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट वंटेंट देखते हैं, फॉलो वगैरह किया हुआ है, तो बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें। बाकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।